हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खट्टी मीठी चटपटी रेसिपी। ये है आम की लौंजी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, जिसे हम गर्मियों में अक्सर अपने घर में बनाते ही रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है, डिलीशियस रेसिपी है। खट्टी होती है, मीठी होती है, तो इसका स्वाद बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ मैंने दो कैरी ले ली हैं, इनको अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। इसका वेट लगभग 250 ग्राम है। अब इसको हम छील लेते हैं और उसके बाद इन्हें अपनी मनपसंद साइज में काट लेंगे। जैसे भी चाहें वैसे पीस कर सकते हैं, थोड़े से बड़े बड़े ही रखेंगे। और ये लास्ट में जो गुठली रह जाएगी इसकी, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम दाल में डाल देंगे तो दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और इसी तरह से हम दूसरी आमी भी तैयार कर लेते हैं, उसे भी काट लेते हैं। ये मैंने दोनों कैरी के पीस काट के रख लिए हैं। अब इसके लिए हमें क्या मसाला लगेगा वो देख लेते हैं। जो मैंने कच्ची कैरी ली है उसका वेट करीब 250 ग्राम है, इसलिए मैंने चीनी और गुड़ भी 100-100 ग्राम लिया है। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च, आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच ही इसमें मैंने जीरा पाउडर लिया है। नमक, सफ़ेद नमक अपने स्वाद के हिसाब से, और 1/4 स्पून इसमें काला नमक ले लिया है। इसके अलावा इसमें हम 1 पिंच हींग का यूज़ करेंगे। इसमें मैंने किसी भी घी तेल का यूज़ नहीं किया है। और मेज़र करने के लिए जो हमने स्पून लिया है वो भी हमने छोटा वाला लिया है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। गैस में कढ़ाई रखते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी हमें इतना डालना है जिसमें जितनी भी ये कैरी हैं ये डूब जाएं। इस पानी में कैरी डाल देते हैं और इसे ढककर 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, कैरी का कलर चेंज हो गया है। अब इसे थोड़ा सा दबा के देखते हैं किसी चम्मच से। ये आराम से कट रही है। अब हमने गैस बंद कर दी है, इसे इतना ही पकाना है। इसके बाद एक छन्नी लेंगे और छन्नी में ये सारी कैरी निकाल के रख लेंगे। पानी को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसी पानी में हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसे एक साइड में रख देते हैं। अब इसी पानी में हम गुड़ और चीनी डालेंगे और गुड़ के गलने तक इसे पका लेंगे। इस समय गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अगर गुड़ के टुकड़े थोड़े बड़े हैं, इसे आप चम्मच से थोड़ा तोड़ लें जिससे ये जल्दी गल जाएंगे। एक प्लेट से इसे ढक देते हैं जिससे कि ये जल्दी गल जाए। गुड़ अच्छी तरह से गल गया है, उबाल अच्छा आ रहा है। अब इसमें हींग डालेंगे और जो हमने मसाले निकाल के रखे थे वो सारे मसाले डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हमने कच्ची कैरी को उबाल के रखा हुआ था उसे भी डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से ही चलाएंगे। अब इसमें फिर से उबाल आ रहा है। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा बनाया है, ये 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इसे ज़्यादा बना रहे हैं और आपको इसे ज़्यादा दिन रख के खाना है तो आप इसमें एक तार की चाशनी बना लें। इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने और पका लिया है और अब गैस बंद करते हैं। अभी इसकी चाशनी पतली है और ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे ही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ठंडी होने पर इसको हम रख लेंगे किसी जार में। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लौंजी बिल्कुल ठंडी हो गई है। एक साफ जार ले लेते हैं और इसी में ये लौंजी डाल लेते हैं। जब लौंजी बिल्कुल ठंडी हो जाए जार का ढक्कन तभी लगाएंगे, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो सकती है। चटपटी खट्टी मीठी आम की लौंजी तैयार है। आप भी इसे बनाइए
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।